मरहबान काई पहाली का। आज इधर उधर की बातें ना करके सीधे पॉइंट पे आते। जैसे हम हमारे आईज, हार्ट, लिवर, स्किन को हेल्दी रखने के लिए दिन भर कुछ ना कुछ करते ही रहते। पर सीरियसली बताइए, आप अपने प्राइवेट पार्ट यानी अपनी वजाइना के हेल्थ के बारे में कितना ध्यान देते हैं? तो आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताऊंगा जिसका सेवन करने से आपकी वजाइनल हेल्थ कंडीशन हमेशा वेल मेंटेन और हेल्दी रहेगी। और ये वीडियो खास महिलाओं के लिए है, तो वीडियो को आखिर तक बने रहिए। और हाँ, ये वीडियो आपको जल्द इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिल जाएगा। तो मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं एक स्काई टेक्निकल। तो सबसे पहला है एवोकेडो। एवोकेडो ये कुछ बाहर से नाशपाती के फल जैसा दिखता है और अकेले एवोकेडो में हमें 14 से 15 वैरायटी देखने को मिलती है। और आप सुन के दंग हो जाएंगे कि एवोकेडो फ्रूट में हमें मैक्सिमम हेल्दी फैट और भारी मात्रा में विटामिन ई देखने को मिलता है, जो लंबे समय तक वजाइनल ड्राइनेस यानी योनि के सूखेपन को रोके रखता है। और ये एवोकेडो फल पीरियड यानी मासिक धर्म में भी राहत देता है। इनक्रेडिबल है ना। अगला है स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी। मेजॉरिटी ऑफ लोग शकरकंद बड़े मज़े से खाना पसंद करते हैं, पर आपको जान के हैरानी होगी कि स्वीट पोटैटो में विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो बॉडी और वजाइने से जुड़े हैप्पी हार्मोन्स को और इम्प्रूव और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। इसके अलावा स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद वजाइनल यूटेराइन वॉल यानी गर्भाशय की दीवारों को मजबूती प्रदान करता है। तो अगला है ग्रीन वेजिटेबल यानी हरी भरी सब्जियाँ। वैसे तो बचपन में हमारी माँ हमारे पीछे हाथ धोकर प्लेट में परोसी हुई हरी सब्जियाँ ख़त्म करने को कहती थी। क्या दिन थे ना वो बचपन के, है ना। तो हरी सब्जियाँ जैसे कि काली, पालक, ब्रोकोली में हमें सभी तरह की विटामिन और मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जो सभी बॉडी पार्ट्स के ब्लड सर्कुलेशन को प्रसारित और नेचुरली रूप से ब्लड को प्यूरीफाई यानी शुद्ध करने में सहायता करता है। और नियमित रूप से हरी सब्जियाँ खाने से आपके वजाइना यानी योनि में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी दही अनप्रोसेस्ड यानी नेचुरल रूप से बनाया हुआ दही खाने से खूब जल्दी डाइजेस्ट होता है, कंपेयरिंग अदर डेयरी प्रोडक्ट। उसी के साथ योगर्ट यानी दही में प्रोबायोटिक होते हैं, जो वजाइना यानी योनि के पीएच लेवल को अच्छी तरह से मेंटेन रखता है। या अगर आपको दही खाना पसंद नहीं है तो जैसे कि सौरक्रूट, कीची, केपीर, एमराव यानी मिसो का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी प्रोबायोटिक कंपाउंड देखने को मिलता है। तो अगला है सोया। वैसे तो सोया नेचुरल वजाइनल ल्यूब्रिकेंट के रूप में काम करता है, पर ल्यूब्रिकेंट बाहरी रूप से काम नहीं करता है, क्योंकि जब आप सोया को सेवन करेंगे तभी ये इंटरनली वर्क करेगा और इसमें इस्ट्रोजन का लो डोसेज होता है, जो आपके बॉडी को मॉइस्चर प्रोड्यूस करने में इम्पोर्टेंट हो सकता है। और मेरा सोया खाने का मतलब नजेट या सोया बर्गर से नहीं है, क्योंकि ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता या हार्मफुल माना भी जाता है। तो दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ आपको वजाइनल हेल्थ के बारे में ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो वीडियो से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल जाना नहीं है। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो जल्दी फॉलो भी कर लीजिए। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आय तानी बिना आपसे अलविदा।